सो हेलो यूट्यूब, होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो राइट नाउ अभी सुबह के बज रहे हैं 12। अभी एक मेरा फ्रेंड आया आधी रात, सो उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं अभी उठा हूँ, मैं उसका मेरे को फ़ोन आया एकदम से कि भाई मिलने आधे घंटे में, और अभी मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। सो मैं सोच रहा अभी उससे मिलने ही जा रहा हूँ तो मैं इसका काम भी करा लेता हूँ कांगड़ा में जाके। वो भी शायद कांगड़ा साइड ही जा रहा होगा। तो कल मैं इससे गिरने से बच गया हूँ बाइक से। एक्चुअल में कल बहुत गंदा सीन हो जाना था मेरे साथ। इसका ABS एकदम से ऑफ हो जा रहा है बीच बीच में। अभी भी दो तीन बार ऑफ हुआ था, मैंने इसको ऑन करने की कोशिश की है फिर से ऑन ऑफ करके। सो ऑन हो जा रहा है वैसे, बट अभी रिस्क नहीं उठाऊंगा मैं अपनी लाइफ के साथ। जीने मरने का सवाल है भाई। तो अभी मैं जा रहा हूँ KTM कांगड़ा, बट पहले उससे मिलते हैं। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ। मोटी गर्मी है यार। और सर क्या हाल, क्या हाल चाल? मैं बढ़िया। चलो फिर आगे बैठते हैं। सो भाई आ चुकी है पूरी गैंग एंड यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर तपोवन में आगे जाके, एंड थोड़ा बाइक का रिव्यू कराते हैं। अधिराज ने बहुत सेक्सी बना के रखी है बाइक, ये पूरी टेल टाइडी वगैरह रिमूव कर दी है इसकी, एंड पूरे माफिया टाइप से बना के रखी हुई है बाइक। अरे यार मैं भूल गया था, मेरा ABS नहीं चल रहा। अभी भी इसमें इंडिकेशन आ रही है तो इसको थोड़ा स्लो ही चलाते हैं। इसको ऑन ऑफ कर लेता हूँ मैं, इस बार चलना चाहिए ये। हाँ ऑन हो गया, अब फिर ऑफ हो गया है, देखो ब्लिंक आ गया। सो भाई बहुत खतरा है इस बाइक में, इसलिए मैं आज ये पूरा फुल गियर्स वगैरह पहन के आया हूँ। ग्लव्स वगैरह अगर गिर भी गया तो कम से कम हाथ सेफ रहेंगे मेरे। ये देखो फिर ऑफ हो गया ABS। सो आपने वो वीडियो देख रखी होगी, एंड जो यहाँ पे खालिस्तान के वो लगा के रखे थे, सो ये वाला एरिया है वो। वन मोर, ये तो यहाँ पे खालिस्तान के वो लगा के रखे हुए थे सारे, एंड उसके बाद से यहाँ पे बहुत हाई सिक्योरिटी हो गई हुई थी, था वो पॉलिटिक्स का ही सीन। सो ये है भाई अपना फेमस एरिया तपोवन का, तो एकदम चिल मौसम रहता है यहाँ पे यार। भाई चेन सेट गया मेरा, अभी आई ना आवाज, मेरे को लगा गया बैंच बच गया। जब रिकॉर्डिंग वगैरह करने लगते हैं ना तो उठती नहीं है बिल्ली यार, कुछ ऐसा होता है भाई, है ना। और जब जब ऐसे रोड में चल रहे होते तो बड़ी अच्छी उठती है बिल्ली। हाँ अभी भाई मतलब ना, जैसे कुछ टाइम पहले मैंने पालमपुर में मारी थी, उस ब्रिज पे जहाँ आपने मारी थी, हाँ उसको कुछ तो भाई इतनी सेक्सी बिल्ली गई थी, मतलब फिर कुछ बोल रहे वन इन हिमाचल। क्या किराया इसमें भाई? केरला से मंगाया स्पेशल पार्ट। केरला से मंगाया? केरला से मंगाया भाई ये पार्ट। कौन सा वाला भाई? ये अच्छा, ये अलग से डली है चीज। हाँ भाई ये रेसिंग टेल टाइडी आती है ना, हाँ। और ये यहाँ पे हिमाचल में नहीं मिल रही कहीं भी ना, ना मेरे को दिल्ली वगैरह मिली गई, हाँ। तो फिर मैंने एक ऑटोमोबाइल्स करके है केरला से ना। अच्छा पेज होगा उनका, पेज है उनके इंस्टाग्राम, तो उन्होंने मेरे को दिया ये अप्रोक्स 2223 तक। 2200 का ये पीस है, 2295। इस पीस की बात कर रहे हैं जो नट्स वगैरह लगे ना, ये वाला जो है ये वाला बस एक पार्ट ये। अच्छा इसको मैं वो बेल्डिंग वगैरह कराई हुई थी आपने, क्या सीन था वो कटिंग वगैरह करा के इसको फिट करते हैं ना, तो हमारा आता है चेसी पार्ट, ठीक है। तो चेसी पार्ट जो होता है वो काफी बड़ा होता है दूसरे वाले, जो हमारी दूसरी टेल आती है कंपनी से, तो वो आता है काफी बड़ा, तो वो कटवाने पड़ती है। इस मॉडिफिकेशन के लिए चेसी आपने काट दी पूरी, चेसी खत्म होगी भाई इसकी, जिक्र जिगरे वाली बात है भाई, चेसी ऑफ करवा दी है भाई ने। ये पेंट पहले का ब्लैक था इसमें, हाँ लेग गार्ड्स लगा के रखे हुए हैं, ये भी सेक्सी लग रहे हैं। जाना ये लोकल ही है, अच्छा लोकल ब्रांड है। और ये भी लगा के रखे हैं छोटे छोटे से LED, ये क्या चक्कर है? ये देखो भाई पुलिस। और एक हैंड गार्ड ब्लैक करा के रखा है और एक ऑरेंज करा के रखा है। ये भी टेपिंग भी करा के रखी है मैंने ना, यहाँ पे रेड DRLs लगवाने थे ना, और वो मेरे को मिल नहीं रहे थे कहीं भी। मैं सोचा कि फिर ऐसे DRL अंदर डलवाने से अच्छा है कि मैं इसको रेड टेप करा दूं ऐसे और इसके ऊपर ब्लैक करा दूं। DRL डलाने के लिए पूरा खुलती है ना, ये पूरी खुलती है इसका, ये हेडलाइट खुलती है ना पूरी। उससे क्या होता है ना कि इसमें मॉइस्चर आ जाता है थोड़े टाइम में, लाइट खराब होने के चांसेस, खराब होने के चांसेस वो तो है। अभी तो इतना नहीं होगा पर बरसातों के मौसम में साथ छोड़ देगी फिर ये, अगर इसको खुलवा दी इसकी सीलिंग वगैरह। ग्राफिक नॉर्मल रखे हैं भाई ने, पहले दूसरे करवा के रखे हुए थे, क्या करने लगे ये बता दो। यार धुआं धुआं हो गया सारा यहाँ पे, टायर क्या करती है आपने काम खराब फिर? कोई नहीं भाई नया डलवा लेंगे। पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है भाई। चलो ब्रो फिर ठीक है, मिलते हैं, राइड सेफ।
ठीक है भाई, यहीं से जाना है। चलो भाई निकलते हैं अब कांगड़ा को। उनका रिसेस टाइम हो जाता है 2 बजे, एक तो बज रखा है यार पूरा। कांगड़ा में बहुत गर्मी रहने वाली है, जल्दी जल्दी इसका काम हो जाए एक बार। वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, कि यूनिट सी लगता है, एरर शो कर देता है, एरर आ जाता है इसमें ना, तो वो एरर रिमूव कर देंगे। अगर वो प्रॉब्लम हुई तो ठीक है, अगर सेंसर्स की गेम हुई तो लंबा जाने वाला खर्चा थोड़ा। सो मैं बोल रहा था भाई पे बाइक बहुत जच रही है, ये ड्यूक हाजिर आज एक्चुअल में थोड़ा हेल्दी है, सो बाइक पूरा पूरा सूट कर रही है। सो स्टॉक बाइक्स भी अच्छी रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टॉक भी रखते हैं कोई लोग, उनके अपने शौक होते हैं। बट जो कस्टमाइज करवाते हैं वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं, जैसे हम, जैसे हमारी पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से बंदे अपने अपनी मॉडिफिकेशन करवा के रखते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। मॉडिफिकेशन भी अगर ढंग से करवाई जाए आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। क्या हुआ, यहाँ से जा रहे हो? हाँ चलो ठीक है, टेक केयर, मिलना। और ओके सो यार मॉर्निंग की शुरुआत देखो मेरी कैसी हो रही है। एक्चुअल में मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं करके रखा हुआ है, एकदम से मैं उठा ही था अभी। एक्चुअल में मैं कल गिरने से बच गया था, और मैंने गिरना बहुत गंदा था, वो मेरे हाथ मुंह सब टूट जाने थे। सो मैंने सोचा मैं क्यों अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, इससे पहले इसको ठीक करवा ही लेते हैं। क्योंकि यार ये 390 बाइक है, ये बहुत हैवी है, जितना मेरा वेट है उस हिसाब से मेरी बाइक का वेट बहुत है, तो ये मेरे से संभलती नहीं है विदाउट ABS। मेरे को आदत ही पड़ी है इसको चलाने की, स्टार्टिंग से मैंने ABS व्हीकल चलाया, सो मेरे को नॉन ABS की आदत नहीं है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। मेरा ऐसा सीन अगर आगे से कुछ भी आ जाता है, मैं सारी दबा देता हूँ ब्रेक्स विद गियर कंट्रोलिंग, और सारी सारी ब्रेक दबा देता हूँ खुद, इसका कंप्यूटर सिस्टम हैंडल करता रहता है। अब देखना मैं ब्रेक कैसे लगा रहा हूँ इसमें, ये थर्ड सेकेंड फर्स्ट ऐसे करके लग रही है भाई ब्रेक इसकी। किस्मत तो भाई इनकी है, अपनी बाइक लेके फेंक देनी है मैंने कहीं, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को इस बाइक का। सो पहुंच गए हम KTM कांगड़ा भी। सो एक्चुअल में मैंने इसका हैंडल भी टाइट करवाना, थोड़ा सा हैंडल भी इसका ढीला हो गया है, सो इस नट के साथ टाइट होगा वो, तो अब सारा काम करवा ही देते हैं इसका, आए हैं कांगड़ा में तो। सो आई होप भीड़ ना हो यार, यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। ओह माय गॉड, लंच ब्रेक हो गया इधर, होपफुली कोई भी बाइक नहीं लगी इधर। सो बहुत दिनों के बाद आ रही है बाइक मेरी यहाँ पे, क्योंकि मैं इसकी सर्विस वगैरह खुद करता हूँ। ये नए टूल्स डलने वाले हैं इसमें, एक तो ये ABS सेंसिंग प्लेट है, और एक ये ABS की वायर है जो कि ख़राब हो गई है। एक्चुअली में वो कंप्यूटर में डाला था, तो एकदम से आगे वो आ गया इसके। सो ये शो कर रहा है कि ये दो चीज़ें डलनी है उसमें, एंड तब जाके ठीक हो गया ABS। पिछला वाला ठीक है एकदम, आगे वाले में एरर आ रहे हैं। सो भाई बड़ी मुश्किल के बाद फेडल करने के बाद, पहले पता नहीं लग रहा था क्या इशू है इस बाइक में, क्या इशू नहीं है। एक्चुअल में वो मीटर लगाया हुआ था उन्होंने, सो उसमें एरर दिखा रहा था कि फ्रंट टायर में प्रॉब्लम आ रही है। सो फ्रंट टायर पे हमें ये नहीं पता लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअल में एरर्स आ जाते हैं सिस्टम में इसके। सो वो भी शो नहीं कर रहा था, बस यही शो कर रहा था कि फ्रंट टायर में प्रॉब्लम है आगे। सो एट लास्ट वही उसका उपाय निकला कि उसमें एक सेंसर प्लेट होती है इसकी ABS की, वो डली एक नई, एंड एक सेंसर पूरा वायर डला ऊपर से लेके नीचे तक, तो जो सेंस करता है कि अगर टायर स्किट हो रहा है आपका, तो वो एकदम से सेंस करके ब्रेक्स छोड़ देता है। चलो एट लास्ट अपनी जान खतरे में डालने से अच्छा इसका काम हो गया, अब मैं टेंशन फ्री हूँ। फिर भी उन्होंने मेरे को बोला है अच्छे से अभी चला लेना इस बाइक को, 2-3 दिन चला के देखना, अगर वो नहीं आता एरर फिर से इसमें ABS का, तो तब तक आप इसको लाइटली चलाना। सो अभी मैं इसको 2-3 दिन टेस्ट अप करूँगा कि अगर यही प्रॉब्लम में अगर सॉल्व हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई होगी तो अब फिर कुछ और करना पड़ेगा। सो एनीवेज अभी मैं जा रहा हूँ टांडा की साइड में, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कुछ काम है। एक्चुअल में मेरे रिलेटिव है कोई, सो उनको शिफ्टिंग करवा रहे हैं किसी और हॉस्पिटल में, सो मेरे को अभी इमरजेंसी पे जाना पड़ेगा वहाँ पे, एंड एम्बुलेंस वगैरह आ रही है उनकी। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया यार, मैं फेंट आउट हो रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत भूख लग रही है मेरे को इस टाइम पे, और बहुत बुरी हालत होगी। एक तो कांगड़ा की गर्मी वैसी है, कहीं पे फेंट आउट हो जाऊंगा पूरी तरह से तो वहाँ पे खा लूंगा, बट अभी इमरजेंसी, अभी जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा मेरे को। भाई मैं टांडा में तो पहुंच गया, मेरे को ये नहीं पता कौन से वार्ड में है वो, सो पहले इमरजेंसी वार्ड पे चलते हैं। आई हेट दिस प्लेस, भगवान करे यहाँ पे किसी को आने का मौका ना मिले, क्योंकि मेरी बहुत स्केची स्टोरीज रही है यहाँ पे। सो यार अभी मैं अंदर गया हुआ था अंदर, एक्चुअल में थोड़ा टाइम लगेगा, एम्बुलेंस फोर्टिस हॉस्पिटल से आ रही है, सो इससे पहले मैं फेंट आउट हो जाऊँ यहाँ पे, मैं थोड़ी देर खाना वगैरह खा लेता हूँ। ये भाई नान मंगवा के रखी इधर, इसको निपटाते हैं निकलते हैं आगे को फिर। तो भाई अभी जस्ट मैंने खाना वगैरह खा के अभी कम्प्लीट हुआ था, और यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गया हमें भाई रानीताल से। सो भाई ने यहाँ पे एकदम से देखा मेरे को, तो भाई आ गए यहाँ पे, तो अच्छा लगता है ऐसे बंदे आते हैं मिलते हैं, तो बढ़िया लगता है भाई यार मिलते रहना ऐसे, और ऐसे सपोर्ट वगैरह करते रहो। तो भाई मिल गया मेरे को, एक्चुअल में यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा था मेरे को, सारे अंदर थे, एंड मेरे को वार्ड भी नहीं पता था कहाँ जाना है।
सभी भाई आ गया मेरा, ये एम्बुलेंस को लेके आए हैं, पीछे से एम्बुलेंस भी आ रही होगी। यार ये जो सीन रहते हैं ना, मेरे को इतना डिफिकल्ट लगते हैं ना हैंडल करने में। इनका एक्सीडेंट हो रखा था, सो काफ़ी क्रिटिकल हो गया, वहाँ यहाँ से शिफ्टिंग हो रही किसी और हॉस्पिटल में। उनकी गर्मी बहुत है, बाइक में भी बहुत ओवर हीट मार रही है और मेरी हालत पूरी ख़राब हो चुकी है इस टाइम। सो भाई लोग हो गया, अब टांडा में भी काम सारा, एक्चुअल में उनको ट्रांसफ़र करना था, वो ट्रांसफ़र कर दिया, एम्बुलेंस जा चुकी है। एंड यार सारा मूड ऑफ हो गया मेरा, जब ऐसे ऐसे सीन्स देखता हूँ एक्सीडेंट वाले ना, तो सारा का सारा मूड ऑफ हो जाता है और मेरा बाइक चलाने का ज़रा भी मन नहीं करता उसके बाद। और मैं भी क्या ही टेलीकास्ट दे रहा हूँ यार आपको इस टाइम, मैं शेयर ही करता हूँ मेरी लाइफ में जो भी हो रहा होता है, ये मेरा काम है। जैसे जैसे मेरा दिन जाता है मैं वैसे वैसे दिखाता रहता हूँ। सो एनीवेज गाइस, एबीएस एकदम ठीक चल रहा है, अब कोई इसमें इंडिकेशन नहीं आ रही है, होपफुली यही उम्मीद है इससे कि अब ठीक चलता रहे यार इसका एबीएस ना, क्योंकि एबीएस के बिना ये बाइक कुछ भी नहीं है। इसमें जितना भी कंट्रोल है वो एबीएस करके ही है, जितना इसका स्पीड है बाइक का, जितना वेट है, वो ब्रेक्स नहीं संभाल पाएंगे ऐसे, वो सीधे टायर स्किट मारेगा और इसको संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा मेरे को। सो इसका सारा काम एबीएस ही करता है, सो वो ये बाइक कंट्रोल करता है पूरा। आई होप ये ऐसे चलता रहे। अब रोड देखो कैसा ऐसे लग रहा है, पंजाब साइड आ गया हूँ मैं, एकदम सीधे सीधे हैं। 3:44 हो रहे हैं और 8 बजे मेरे को ब्लॉग अपलोड करना है, बट उससे पहले जाके एडिट करना है जो मैंने कल का ब्लॉग बना रखा है। सो उसको एडिट करने में मेरे को 2 घंटे लगेंगे कम से कम, एंड डाउनलोड करते हुए उसको एंड देन यूट्यूब पर अपलोड करते हुए। सो बहुत हेडेक है, अभी जाके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा एंड उसको एडिट करूँगा, फिर यूट्यूब पर चढ़ाऊँगा। सो तभी मैं जल्दी निकल रहा हूँ, नहीं तो मैं चैंग से मिल के जाता कांगड़ा में। अरे यार कहाँ चला भैंड के, ऐसे बंदे मराते हैं, दिल्ली दुल्ली के आते हैं ना यहाँ पे चलाने, इनको घंटा नहीं आती है। यही मेरा मेन रीज़न था कि इस बाइक में मैंने एबीएस ठीक करवाना था, हमें पता होता है कि कहाँ जैसे हमने कटिंग लेनी है और कहाँ जैसे हमने ओवरटेक लेना है। इन गधों की वजह से ना हमें पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ती है। कैमरे में इतना नहीं दिखता है ना, कैमरे में स्लो दिखती है बाइक कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, बट इन रियल लाइफ 70 की स्पीड है, 70 कम से कम, मैं 80-90 पे होऊंगा उस टाइम पे। कैमरे में इतना शो नहीं होता कि ऐसे लग रहा होगा कि दूर है वो ज़्यादा, बट इन एक्चुअल लाइफ बहुत पास थी वो गाड़ी। सो यहाँ से आर्मी एरिया स्टार्ट हो गया, आप वॉल्स देख रहे हो जैसे कि, एंड यहाँ से लेके योल कैंट तक पूरा आर्मी एरिया है, एंड ऊपर तक आप देख सकते हो ये सारा आर्मी एरिया है। इवन ये जो पहाड़ी की पीक है उसके ऊपर भी आर्मी का बेस कैंप है, राइजिंग स्टार। तो आज का दिन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, एंड कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।